ये रोड बहुत हाइट पे है वाली, भट्टा फॉल है भाई 1.5। वाओ, फाइनली वी आर इन देहरादून गाइस। बांके बिहारी के सुबह सुबह या तो दर्शन हो या बा, चलो भाई देवी जी के दर्शन हो गए, प्रणाम करते हैं यहाँ से। देखो कितनी ऊंचाई पे गए थे भाई, अभी मैप सीधा गाजियाबाद का डालेंगे, मैप लगाएंगे बाइक वाला। चलो भाई लेट्स गो। तो अपन को यहाँ से लेना है गाजियाबाद, यहाँ से 282 किलोमीटर है तो गाजियाबाद आज का हॉल्ट लेंगे यार व्हीकल सुबह जहाँ से निकलेंगे। पहले हम सोच रहे थे कि यहाँ पे एक आध चीज़ और कवर करें, लेकिन भाई वो उसका टैंक का वो खराब है पेट्रोल का, तो अब पॉसिबल है नहीं है कहीं ज्यादा रुकना है कि नहीं। चलो भाई जय माता दी, आई होप पता नहीं कब आएंगे यहाँ पे। तहरी डैम भी था आगे, लेकिन उसके लिए रात हो जाती तो भाई अभी हो गया ऑलरेडी 1:15 हो गया है, अच्छा नहीं है इतना लेट होना। सोलो राइडर होके बस यही प्रॉब्लम आती है कि आपको बहुत मतलब प्रिकॉशन के साथ हर जगह जाना पड़ता है। ब्रेक को पता नहीं क्या हो गया, ब्रेक ही नहीं लगे। लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। ये देखो बेचारे कैसे इन पे नहीं होते यूज के तो छोड़ देते। अभी तो सीधा सीधा है, बाकी देहरादून पहुंच जाएंगे एक बार, उसके बाद इसका वो लगाएंगे अपन लोग मैप। पहुंचने में अराउंड 6 hours 30 minutes। सबसे बेस्ट है अगर आप आ रहे हो और आप अगर दो लोगों बस से या किसी अपनी पर्सनल व्हीकल कार से तो प्रेफर है यहाँ से आप वो ले लो टू व्हीलर, 600 पर पे मिल जाएगा, 300 की फुल कराओ टैंक और रेडी टू गो, बहुत इजी रहेगा। क्योंकि भाई कार से तो नहीं कर सकते आप नजारे, हर जगह कार रोकना पॉसिबल नहीं है। मसूरी है 56 किलोमीटर अराउंड कवर करने में यहाँ पे 2 घंटे लगते। एक तो प्लेन्स की इतनी आदत हो गई ना तो ऐसा लगता है यार 50 किलोमीटर तो यार हाफ एन आवर में कवर हो जाते अपने यहाँ पे प्लेन्स पे। कैसा भी मूड हो ऐसे व्यूज देख के सब मूड अच्छा हो जाता। गाड़ी टोटल चल चुकी है 778, 5000 की सर्विस आ जाएगी, 5000 किलोमीटर सर्विस, तो अब 5000 किलोमीटर की सर्विस कराएंगे इसकी जाके। इन्हें डेट लेकर रखी थी 6 महीने या 5000 किलोमीटर चल जाए, लेकिन अपनी 5000 किलोमीटर चल गई तो सर्विस कराना तो वैलिड है। और ये टंकी का कैप चेंज होगा, कैप आएगा उसका नया। यार ये मतलब हमें उम्मीद नहीं थी कि रॉयल एनफील्ड की इतनी लॉक खराब होगा कल, लेकिन यार ऐसी कंडीशन में अगर ये भरोसा करके जाओ तो आपके तुझे लंका लगा दे, गलत चीज़ है ना भाई। इनको कुछ करना चाहिए, इनको कुछ और अच्छी उसमें क्वालिटी देनी चाहिए। एक तो निकालना पड़ता पूरा जी नहीं कि ऊपर कर दो तो भर जाए, सबसे बड़ा नेगेटिव लगा जाए हमें इसका। नीचे ऐसे डाउनहिल जाने में ऐसे कान अजीब से सुनने से पड़ जाते। मसूरी 31, देहरादून 61। तब लग रहा सनलाइट पड़ रही हो, देख रहे हो आप रिसोर्ट तो इतने बड़े इसकी कोई हद नहीं। अभी इस टाइम पे लोग बहुत जा रहे हैं 1-2 बजे के समथिंग, सुबह सुबह जिसको भी आना भाई सुबह सुबह आ जाओ, भीड़ कम रहती। हम तो 8-9 बजे निकले थे, आप निकलो 7-6 बजे तो और मजा आएगा, क्योंकि ट्रैफिक तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। ओह माय गॉड कितने विशाल का पहाड़ है। इसको कहते हैं वैली, बहुत वो देखो वहाँ से आ रहा है उस साइड से पूरा को। मैंने कहा रुक जाए एक बार, दिखाना तो बनता है भाई व्यू। ये रोड बहुत हाइट पे है वाली, तो फाइनली भाई साइड मसूरी एंड इस साइड देहरादून, तो अपन को राइट साइड ना लेके लेफ्ट साइड ले देहरादून की साइड निकलेंगे। देहरादून 40 किलोमीटर से भाई अभी बस वही है, नीचे उतरना पड़ेगा। बैग में भाई बहुत लोड हो गया, प्रसाद वरसाद भी हो गया। और पूरी में ऐसा कुछ नहीं है माल रोड के अलावा, बाकी आपको साइड सीन करना हो तो साइड जगह ही जाना पड़ेगा, जैसे टहरी डैम हुआ, धनौल्टी हुआ। मैंने कहा रुक के क्या करूंगा अभी मैं, जैसे धनौल्टी अभी घूम के आ गए, अब जाएंगे रूम पे बैठेंगे या फर्जी घूमेंगे क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और कुछ भी जाओ तो रात हो जाएगी आते आते।
टाइम हो गया भाई 1:43। ये मसूरी ऊपर निकल जाओगे, यमुनोत्री भी है और कैंपटी फॉल तो है ही है भाई। देख रहा है तुम भीड़ देखो तुम तो बस। कल भी इतनी भीड़ थी कि माल रोड टायर रखने की जगह नहीं थी। ये रेसिडेंसी है, निकल सकते अमीर लोगों के लिए। अली भाई निकले थे वहां से 12 बजे समथिंग निकले थे शायद से। थोड़ा सा क्या एक्सपीरियंस हो जाता ना एक दो बार का, फिर काम हो जाता सही। तो कोई लोड नहीं है भाई, थोड़े से हाथ पैर सीधे कर लें। A few moments later. ये टाइम मस्त है आने का भी। बारिश में तो एक चोट रहती है, देखो अपन कुछ ऐसे लग रहा है ये कांच नहीं होते। अपनी बाइक खड़ी, परफॉर्मेंस बढ़िया है, लेकिन वो टैंक का वो खराब हो गया, वो ऊपर का क्या कहते हैं। अगर कोई यहाँ पे आए और अगर किसी को धनौल्टी जाना हो तो इस पे मत जाना, यहाँ से निकल जाना सीधा। ये वाला देख लो आप स्पॉट, और ये बोर्ड आएगा कैंपटी फॉल का और इसका, तो यहाँ से निकल जाना। ये लगा भी है इसका बोर्ड, ये देखो ये लगा हुआ है। क्या यार मतलब कितनी लंबी लाइन लगी देखो तो यार। भाई सैटरडे संडे को तो बिल्कुल ही मत आओ माउंटेन्स में। भट्टा फॉल है भाई 1.5 km में। तुमने कहीं देख ही लो कैसा अच्छा लगा, काफी नीचे है भट्टा फॉल। क्या ठंडी ठंडी हवा आ रही है भाई, अंदर का स्वेटर उतारना पड़ेगा अभी, गर्मी लगने लगी ना भाई साहब। बहुत नीचे है 1.5 km यार। वाओ क्या नजारा है, वाओ। कार एक बार बंद हुई और जैसे नहीं है आइडिया, उठा नहीं रहा वो दोबारा ऊपर। जो देखो कितनी डीप है भाई, खड़ी सीधी खड़ी, फिर तो हैंड ब्रेक रख के भी ना उठना। चलो भाई सीधा भट्टा फॉल पे दिखाएंगे, ऐसे तो बनाते रहेंगे वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी। वाह क्या सीन है, क्या सीन है भाई साहब। ये छोटा सा वाटरफॉल है, नहाने के मैटर से है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये निकल रहा है यहाँ से, चलो भाई जैसे नहाना हो तो आ सकता है यहाँ पे आराम से, मस्त चलो जाएगा। दो सीढ़ी उतर के हैं बस। जिसको मजे करने नहाना धोना पार्टी लड़कियों इवेंट मेन उन्हीं के लिए है ये। छोटा सा वाटरफॉल है, ऊपर से कोई नहर आ रही होगी, वाटरफॉल तो नहीं बोलेंगे, नहर टाइप की बह रही ऊपर से, बस ये बोलो। अपने मतलब का तो नहीं है भाई, ना अपने साथ लड़की है। फालतू में टाइम बर्बाद। फाइनली वी आर इन देहरादून गाइस। भाई साहब यहाँ हंटर बहुत दिख रही, हंटर बाइक्स बहुत यार सक्सेस रही रॉयल एनफील्ड की। मतलब ट्रिप पे मुझे नॉर्मल क्लासिक बुलेट से ज्यादा हंटर दिख रही। यहाँ से दिल्ली है 255 किलोमीटर अराउंड। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर
2000 years later. भाई ये बहुत भयंकर आंखों में चुभता है, ये पीछे लगा है ना, ऑलमोस्ट 8-10 हो गए नोएडा में और मेरठ में घुसे तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन अभी एग्जैक्ट लोकेशन बची अपनी यहाँ से 12 किलोमीटर। चलो भाई अब घर निकलेंगे, अब मतलब घर पहुँच रहे हैं, उसके बाद अब कल सुबह सुबह निकलेंगे झांसी की साइड, और अगर पॉसिबल हुआ तो बाके बिहारी के दर्शन कर लिए जाएं क्या? नहीं कर पाएंगे यार, वैसे गाड़ी की टैंक की कैप खुल गई ना, इसलिए इसको कहीं खड़ा करने में प्रॉब्लम है थोड़ी सी। बाके बिहारी के सुबह सुबह या तो दर्शन हो या 12 बजे के पहले, वैसे तो 12 बजे से पहले पहुँच ही जाएंगे। चलो पॉसिबल है भाई, ट्राई करेंगे, अगर हो गया तो अच्छी बात है। चलो गाइस आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, आई होप आपको अच्छा लगे, माता का मंदिर के दर्शन बढ़िया हो आपके भी। हे गाइस नोएडा की सड़कों पे भी स्वागत कर लो आप GT का, जो भी नोएडा से देख रहा हो भाई, कोई देख रहा हो तो। चलो भाई बाय बाय, सी यू टुमारो एंड गुड नाइट, कल सुबह सुबह नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन पीस।